आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। अमेरिका में पुलिस द्वारा अश्वेत की हत्या किए जाने के विरोध में वाम दल के सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जलाया पुतला। बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा सिटी पार्क में स्थापित स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का उद्घाटन किए जाने की तैयारी को निरीक्षण के लिए पहुंचे जेडीयू के वरिष्ठ नेता। और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा कई वर्षों से राशन नहीं दिए जाने के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने पार्षद के घर का घेराव कर जमकर किया हंगामा। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में अश्वेतों पर हुए हमले को लेकर विभिन्न वाम दलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका, विरोध जताया। अमेरिका में पुलिस द्वारा अश्वेत को हिरासत में बर्बरता से हत्या किए जाने के खिलाफ विभिन्न वाम दल द्वारा शहर में जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया और अमेरिका के राष्ट्रपति मुर्दावाद के नारे लगाए। पुतला दहन के बाद SUCI के सचिव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ उभरा यह व्यापक जन आंदोलन वास्तव में वर्षों से कायम पूंजीवादी समाजवादी शोषण जुल्म के खिलाफ है। हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया है, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का सरगना है, उसके मुखिया है। आप देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से अमेरिका में किस तरीके से रंग भेद नस्ल भेद के कारण काले लोगों पर अत्याचार हो रहा है, और यह काले लोगों पर वास्तव में अत्याचार नहीं है, यह वहाँ की शोषित जनता पर है, मजदूरों पर है, किसानों पर अत्याचार है, और यह अत्याचार सभी पूंजीवादी समाजवादी देशों में हो रहा है। इसलिए ये जो विक्षोभ फूटा है अमेरिकी जनता का, वास्तव में पूंजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ ये विक्षोभ है, और इस विक्षोभ को हम सलाम करते हैं, और आम जनता को, वहाँ की बहादुर जनता को हम अपना लाल सलाम पेश करते हैं, और इस अपने देश की भी जनता को भी हम आह्वान करते हैं कि इस अमेरिका की इस संघर्षशील बहादुर जनता की के साथ एकजुट हों, और अपने देश में भी वास्तव में पूंजीवाद साम्राज्यवाद शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष तेज करें। वर्ष 2014 में बने राशन कार्ड का वितरण नहीं कर अनाज के हो रहे काला घोटाले को लेकर वार्ड 12 के सैकड़ों परिवारों ने वार्ड पार्षद शहनाज खातून के आवास का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड नंबर 12 के सैकड़ों लोगों का 2014 में बना राशन कार्ड अब तक नहीं मिला, जिसको लेकर आज वार्ड 12 के कुंडल में लोगों ने एकत्र होकर चारों डीलर एवं पार्षदों पर घोटाले का आरोप लगाते हुए विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने बताया कि हम लोग का राशन कार्ड वर्ष 2014 में ही बन गया है, लेकिन आज तक हम लोगों का कार्ड नहीं मिला है। इस बात का पता तब चला जब हम लोग इस महामारी में भोजन के लिए परेशान थे, तब फिर से जब हम लोग राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के लिए गए तो पता चला कि हम लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है 2014 में ही। तब ये बात सुनकर हम लोग बहुत दुखी हुए। अब हम लोगों को लग रहा है कि डीलर और पार्षद मिलकर हम लोगों का राशन घोटाला कर रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही कल पूर्वी SDM के पास भी इस मामले को लेकर जाएंगे। के द्वारा पता चला तो ये राशन कार्ड का 6 प्रति हम लोग ऑनलाइन से निकाले हैं, और तब है कि हम लोग वार्ड पार्षद को 4-5 दिन से हम लोग बुला रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को पब्लिक है, कार्डधारी के बीच में आइए, और हम लोगों को जो भी राशन और कार्ड का जो भी समस्या है उसको बैठ के निदान करने की कृपा की जाए। कि हमारी मांग पूरी किया जाए, हम लोग गरीब आदमी मजदूर है, जाए से जाएगा। कौन खा रहा है आपका राशन, कौन खा रहा है? खा रहा है, डीलर खाता होगा और पार्सल खाता होगा, और कौन खाएगा दूसरा? वहीं इस दौरान स्थानीय वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 12 के सहनाज खातून ने कही कि हम पर जनता आरोप लगा रही है, तो मेरा कहना है कि ये मामला वर्ष 2014 का है, लेकिन हम पार्षद 2017 में बने हैं। अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है अगर किसी भी डीलर द्वारा, तो हम जनता के हित के लिए जिलाधिकारी एवं SDM पूर्वी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे, और हम जनता के साथ हैं हर कदम पर। राशन कार्ड के लिए मेरे जनता हम पर आरोप लगा रहे हैं, तो 2014 में राशन कार्ड बना, हम 2017 में वार्ड पार्षद बने, हमारे निजी में तो राशन कार्ड बटा नहीं, कौन डीलर कौन कितना राशन कार्डधारी है वो भी हमारा आज तक ले मालूम नहीं चला।
आपने पता करने की कोशिश की है? पता करने की कोशिश किए हम कि हाँ हमारे वार्ड में कितना कटधारी है। बाकी हमारा आज ले कोई डीलर साहब भी नहीं कहे कि हाँ आपको वार्ड में या 1000 कहे। वो डीलर आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में 4 डीलर है। चारों में से किसी के पास कोई नहीं हमको बताए कि हाँ आपको वार्ड में या 1000 माने कटधारी है चाहे 1500 है। जब हम इस बार लॉकडाउन लगा, जब मेरे पास जनता लोग आए कि हम लोग के कार्ड नहीं है, हम लोग के फ्री राशन कैसे दीजिएगा, कैसे मिलेगा, जनता लोग हमको परेशान किए। हम कहे कि आप लोग अप्लाई किए हैं तब बताइए, वो लाइए रिसीविंग। जनता से रिसीविंग लिए, हम एक पैड पर भी लिखे हम डीएम साहब के कि जिनका पास राशन कार्ड है वो राशन उनका फ्री मिलेगा, पैसा वाला भी मिलेगा। जिनका पास राशन कार्ड नहीं है उनका कैसे राशन दिया जाए, वो लोग भूख मर रहे हैं। ये भूखमारी में, महामारी में गरीब जनता जो ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, फल फूल बेचने वाले हैं, वो लोग मर रहे हैं भूखा। हम डीएम साहब के 30 तारीख के चिट्ठी हम मीटिंग में गए हम पहुँचाए। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस स्मृति उद्यान का निरीक्षण जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और पूर्व एमएलसी गणेश भारती ने मंगलवार को की। 3 जून को प्रस्तावित सिटी पार्क, जिसे अब जॉर्ज फर्नांडिस स्मृति उद्यान के नाम से जाना जाएगा, इसमें स्थापित जॉर्ज फर्नांडिस की आदमकद प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में बैठे बैठे रिमोट के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और गणेश भारती द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत एमएलसी दिनेश सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में जॉर्ज साहब की आत्मा बसती है। उन्होंने अपने जिले के लिए जितना किया है जिलेवासी कभी भी उसे नहीं भूल सकते। एक नया जयंती समारोह है, इस अवसर पर बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने राजकीय सम्मान घोषित किया, सम्मान के साथ मनाने का निर्णय लिया। इसलिए हम लोग मुजफ्फरपुरवासी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वहीं पूर्व एमएलसी गणेश भारती ने बताया कि जॉर्ज साहब के नाम पर उद्यान एवं उनकी आदमकद प्रतिमा आने वाले समय में शहरवासियों को उनकी याद दिलाती रहेगी। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब का इस मुजफ्फरपुर के धरती पर, जहां वो लगातार 6 बार सांसद रहे, यहां की जनता उनको सहृदय अटूट प्रेम के साथ उनको जिताती रही। आज उनके स्मरण में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस जी का आदमकद प्रतिमा यहां लगाने का काम कर रहे हैं। कल इसका अनावरण है। मैं मुजफ्फरपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। वहीं इस अनावरण कार्यक्रम में भाजपा सांसद अजय निषाद और भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार में जिला प्रशासन द्वारा आमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर बेहद आक्रोश है। मूर्ति के उद्घाटन के लिए, मूर्ति के अनावरण के लिए कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, आपको अलग रखा जा रहा है। हम लोग को कोई निमंत्रण नहीं आया, जोर साहब हम लोग के लिए भी श्रद्धे हैं। हम लोग को निमंत्रण आएगा तो हम लोग जरूर बहुत रूप से उसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को हमारी पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं है। समलैंगिक शादी की तैयारी कर रही कुढ़नी के दोनों लड़कियों के उम्र के सत्यापन में जुटी पुलिस, पूरे मामले पर जिले के वरीय अधिकारी की है नजर। महिला थाना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गिरफ्तार किए गए समलैंगिक शादी करने जा रही दो लड़कियों के परिजन महिला थाना पहुंचे। दरअसल कल SSP कार्यालय में ये दोनों लड़कियां शादी को लेकर पहुंची थी। CTSP द्वारा दोनों की उम्र सत्यापन कराने के लिए महिला थाना के हवाले कर दिया गया था। दोनों लड़कियां कुढ़नी थाना के एक गांव की रहने वाली है। दोनों बचपन से साथ रहती थी, बड़े होने पर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों के परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया। थाना पहुंचे परिजनों ने इन दोनों की पूरी कहानी बताई। यहां तक पहुंचे हैं कि हम थाना में आदमी से गया था, सब बड़ा कोर्ट में गया था, मुजफ्फरपुर में है तब फलना जाए, तब अभी वहाँ मोतीझील थाना है वहाँ गए हैं, वहाँ से बोले कि महिला थाना गए, महिला थाना में हम आए। अच्छा।
तो आगे क्या करना है अब आप लोगों को? आके लड़की से हमको बात करना है। अच्छा। लड़की अगर बोलेगी कि हम मम्मी के पास जाएंगे, ले कुछ अपना समाज के लोग के बताकर थाना पुलिस को कहा कर हमको सोचेंगे ले जाने के लिए। कुढ़नी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि मनियाड़ी थाना क्षेत्र से भी दो लड़कियां घर से हुई फरार। परिजनों ने जताया समलैंगिक शादी की आशंका। बचपन से दो लड़की इस कदर साथ रहने लगी कि इनकी दोस्ती का कायल पूरा गांव हो गया। लेकिन अचानक गांव से ये दोनों लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और दोनों लड़कियों के परिजन इसकी शिकायत लेकर पहुंचे महिला थाना। दरअसल घटना मनियाड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां मनियाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव से साथ में रहने वाली दो लड़कियां सोमवार को घर से अचानक गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मिलने के बाद आज महिला थाना पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कल से ही दोनों लड़की गायब है और दोनों की कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दोनों लड़कियों में शादी कर लेने की बात पर वह महिला थाना पहुंची, जहां हिरासत में दोनों लड़कियों को देखने के बाद पहचानने से इनकार कर दी और कुछ इसी तरह के संबंध की आशंका जताई है, जिसके बाद महिला थाना की पुलिस कर्मी ने दोनों के परिजनों को स्थानीय थाना में शिकायत करने की सलाह दी है। थोड़ा दिमाग में स्टेक है। क्या है पूरा मामला ये बताइए। वो छत से गिर गई थी। कब? उसको 5 महीना हो गया, छत से गिर गई थी। अच्छा। इस जगह कटा हुआ है, इस पर टाका चल गया था। डॉक्टर बोला था कि क्या कहता है कुछ कि इसका दिमागी हालत कुछ कुछ याददाश्त कराते रहिएगा, नहीं तो इसका दिमागी हालत कभी खराब भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन अब हम लोग तो गरीब हैं, क्या करें, है ना, हम ही कमाने वाले हैं, हमारे पास ना आदमी है और ना लड़का है। अच्छा। है ना, क्या वो लड़की है आपके? मेरे पास है 106 लड़की। क्या नंबर लड़की है ये? है 104 नंबर। ऐसा क्या हुआ कल कि ये दोनों निकल के आ गई और थाना तक पहुंच गई? कुछ नहीं हुआ था, ये दोनों का है सो माने कि वही थोड़ी दिमाग का कमजोरी है। और दोनों दिमाग से कमजोर है? हाँ, दोनों कमजोर है। अब आगे ही लोग दोनों शादी करने का बात कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए, हम लोग अपना संभालेंगे, डॉक्टर से दिखाएंगे। अपना तो मेरे को मालूम नहीं था ये लोग क्या करने वाला है क्या नहीं। अच्छा। हाँ, और घर में समझाते थे भी तो दिमाग से, यानी कि कोई काम भी नहीं करती। अच्छा। इसके जो मर्जी आता था वो अपने करती थी। कैसे आप लोगों को सूचना मिला कि लड़की लोग यहाँ तक पहुँच गई है? यानी कि पेपर से हमको मिला, हम लोग खोज रहे थे, कल हम लोग खोजी में है, इसे पूरा स्टेशन छान मारे। अच्छा, कौन सा स्टेशन? नहीं मिले, मुजफ्फरपुर स्टेशन। अच्छा। रमदयालु और बर्फी स्टेशन। अच्छा, फिर कैसे पता चला? ये पेपर से हम लोग को पता चला। अच्छा, तो फिर यहाँ ही तो क्या कुछ हुआ? अभी तो आए किए हैं। आप लोग पेरेंट्स है, गार्जियन है, क्या कुछ कारण है ये लोग जो डिसीजन ले रहे हैं कि हम दोनों शादी करेंगे, तो क्या अच्छा रहेगा आप लोग? नहीं, ऐसा गलत मंजूर नहीं, ये गलत बात नहीं कीजिएगा। तो फिर आगे? आगे वही सूचना देंगे कि उसका इलाज करवाना है। दोनों का दिमाग? दोनों का दिमाग। कब से दोनों साथ में रह रही है? यही 3-4 साल से। अच्छा, कहाँ बच्चे आपके रहते थे? एक जगह, दोनों आदमी हैं, घर एक जगह। बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी ने की बैठक। सार्वजनिक परिवहन सेवा COVID-19 में सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। मंगलवार को जिला परिवहन विभाग में जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल ने बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और ऑटो रिक्शा संघ के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। DTO रजनीश लाल ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के परिचालन के दौरान बस संचालकों द्वारा COVID-19 को लेकर सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था, जैसा कि आप अवगत होंगे, कि सार्वजनिक परिवहन सेवा को आज से चालू किया गया है, कल से। तो परिवहन जो चालू किया गया है तो COVID-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो जितने भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः अनुपालन हो, इस उद्देश्य से आम जन को, ड्राइवर, बस संचालकों को, बस के ड्राइवरों को या को ड्राइवर को इससे अवगत कराने के लिए आदरणीय उदय बाबू को और मुकेश शर्मा जी को हम लोग आमंत्रित किए थे आज की इस बैठक में। तो ये तो राज्य स्तर के अध्यक्ष हैं और ये जिला स्तर के,
और इन लोगों के साथ बैठक करने का उद्देश्य पूर्णतः यही है कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। जैसा कि आपने अखबार के माध्यम से या अन्य स्रोतों से भी जानकारी ली होगी कि सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ड्राइवर भी मास्क और ड्राइवर और खलासी जो रहते हैं बस में वो भी मास्क जरूर लगाएंगे। सैनिटाइजर रखेंगे बस संचालक, यात्रियों के चढ़ने से पूर्व उनका हाथ सैनिटाइज कराएंगे। इसके अतिरिक्त जितने निर्धारित सीट हैं बस में जिन पर परमिट अलाउड है उससे एक व्यक्ति भी ज्यादा बस में नहीं रहेगा। वहीं बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह का कहना है कि बस ऑपरेटर सरकार द्वारा जारी सभी नियमों का आरक्षक पालन करेंगे। निर्णय लिया गया है जिला परिवहन पदाधिकारी सरकार का जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी संजय अग्रवाल साहब का जो पत्र था उसी के आलोक में उन्होंने बैठक बुलाया। मेरे साथ जिला अध्यक्ष, टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष, सचिव दोनों थे। उसमें निर्णय लिया गया जो अक्षरशः परिवहन विभाग के सचिव द्वारा जो आदेश है वो अक्षरशः पालन करना, चाहे थ्री व्हीलर हो, बस हो या ट्रक, उसको डिस्टेंस का पालन करना है। बस में ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी सब मास्क लगाना है, हैंड ग्लोव्स लगाना है, पैसेंजर जो चढ़े तो उनको सैनिटाइजर से उनको हाथ को वॉश कराना है और एक दूसरे में पैसेंजर नहीं सटे कि दूरी बना के चढ़ना है। चढ़ने का पौधान का इस्तेमाल नहीं करे और जितना पैसेंजर को भी मास्क लगाना है, अगर मास्क नहीं है तो गमछा का इस्तेमाल करें। महिलाएं भी अपना सेफ्टी लेके चले, मास्क लगावे या अन्य जो भी कपड़ा हो रुमाल से नाक बांधे और नाक और मुंह बांध के चलना है। गाड़ी को साफ सफाई रखना है और कहीं जहां भी रहे तो अच्छा साफ सुथरा जगह पर पैसेंजर को प्रचार प्रसार करें। सरकार द्वारा जो पंपलेट मिलेगा उसको गाड़ी पर लगाना है, प्रचार प्रसार करना है। कोरोना को भगाने के लिए हम लोग जिस रफ्तार से गाड़ी चलती है उसी रफ्तार से उसको भगा के दम लेंगे। शाही लीची से हुए नुकसान की भरपाई चाइना लीची से होने की आशा में है लीची उत्पादक, देखिए ये रिपोर्ट। जिले में लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच शाही लीची बाजार में मिल रही है, परंतु बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलने से लीची किसान और कारोबारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन सब के बीच बाजार में शाही लीची गायब हो रही है। ऐसे में अब लीची उत्पादकों को चाइना लीची से उम्मीदें बढ़ गई है। आपको बता दें कि 10 जून से बाजारों में चाइना लीची आ जाएगी। लीची उत्पादकों की माने तो पिछले वर्ष शाही लीची से अच्छी आमदनी हुई थी, पर इस बार परिस्थितियां थोड़ी बदल गई है। अब चाइना लीची ही इस नुकसान को कम कर सकती है। लीची का जो व्यापार ऐसा रहा कि गत 15 साल से मैं व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने शाही लीची का ये दुर्दशा नहीं देखा। इस साल की पोजीशन में 15% लीची का मात्र फसल हुआ और वो 15% भी मार्केट में दिल्ली मंडी में, जयपुर मंडी में जा रही है, लेकिन उसका कोई सेल हमें नहीं मिल रहा है। मुजफ्फरपुर बाजार का क्या भाव है? मुजफ्फरपुर में आज के डेट में लीची का कोई भाव नहीं है। 50 रुपए में लोग 150 दे रहे हैं, 150 दाना दे रहे हैं, जो कभी 100-120 रुपए में सैकड़ा हुआ करता था, आज के डेट में 50 रुपए में आपको 150 दाना दे रहे हैं। क्या लीची, किस तरह का व्यापार है इस साल? इस साल व्यापारी कम्प्लीटली माइनस में, कुछ भी नहीं है मार्केट में, कहीं कुछ भी नहीं रह गया मार्केट में। वहीं उद्धार श्री से सम्मानित और पूरे विश्व में शाही लीची को पहचान दिलाने वाले भोलानाथ झा ने
लीची उत्पादकों को हुए नुकसान को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि जब महाराष्ट्र सरकार नारंगी उत्पादकों को लॉकडाउन से हुए नुकसान में फसल क्षति मुआवजा दे रही है, तो बिहार सरकार लीची उत्पादकों को हुए नुकसान की भरपाई क्यों नहीं कर सकती? कल आपने किया, लीची तो हम लोगों का लाइफ है मुजफ्फरपुर का, और अर्थव्यवस्था किसानों की रीढ़ है। सुगर फैक्ट्री बंद होने के बाद हम लोगों की अर्थव्यवस्था में लीची और आम का बहुत योगदान रहा है नगदी फसल के रूप में। मजदूर इसमें जो आश्रित है वो परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी, इसलिए उनके व्यवस्था में सहयोग करने के लिए आपका सहयोग चाहिए हमको। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारी मांग है कि नहीं अगर करेंगे तो हम लोग मजबूर हैं। हम मजबूरी में क्या कर सकते हैं इसका अंदाज आप लोगों को नहीं हो सकता। हम लोग हर तरह से मजबूर हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खड़ा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735। या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट, बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, AIIMS, NTSE, जहाँ किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा
उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ यानी कि जीनियस क्लासेस, देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैया गंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। एनडीए सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर बिहार भाजपा द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मोदी सरकार 2.0 के एक वर्ष पूरे होने पर बिहार भाजपा द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर मंगलवार को जिला स्तर पर मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज का यह प्रेस वार्ता बेहद महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषयों को लेकर आयोजित की गई। मंच का संचालन करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची है। ऐसे कंडीशन में भी भारत इस परिस्थिति में भी मोदी जी के दृढ़ संकल्पित इरादों की वजह से भारत को इस आपदा से उबार ही नहीं बल्कि भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान के साथ पेश किया है। प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसान मजदूरों के लिए पेंशन की योजनाओं सहित समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। मोदी सरकार ने 75 मेडिकल कॉलेज, 1000 पीजी केंद्र, 6 एम्स, आदिवासियों के लिए कल्याण के लिए एकलव्य योजना जैसी कई योजनाओं को लागू करवाया है। मोदी सरकार ने रेड़ी वालों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए, गांव के किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, पशुपालकों के लिए योजनाएं लागू करवाई हैं, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सके। केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल में 41 लाख श्रमिकों को बसों से भेजा है, 55 लाख श्रमिकों को 4000 ट्रेनों के द्वारा उनके गृह क्षेत्र भेजा है, इसमें से 21 लाख केवल बिहार से हैं। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए किसान निधि योजना लेकर आई है, जिससे किसानों को बहुत ताकत मिली है। जैसा आप चर्चा में बताए हैं, मोदी जी कार्यकाल का पार्ट टू का ये पहला साल पूरा हुआ है। जब हम लोग चुनाव में 2019 में आए थे,
और जो भी घोषणा पत्र था वो आप देखेंगे लगभग काम पूरा 2 या 3 महीना के अंदर में ही सारा काम हो गया था, चाहे वो 370 का हो, 3 तलाक का हो, और ये CEA का था, जो भी था मामला हम लोग सारा को कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे बड़ा जो 70 का 200 साल से जो विवाद चल रहा था ये बाबरी मस्जिद का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उसको भी मामला को डिस्प्यूट को समाप्त कर दिया गया है। तो ये सरकार की बहुत ज्यादा उपलब्धि है, खासकर जो कोरोना वायरस में जो प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व क्षमता था और प्लस जो गरीब लोगों के लिए जो योजना रहा उसका भी फायदा बहुत ज्यादा हुआ, लोगों में तारीफ भी बहुत ज्यादा मिली। डायरेक्ट जनधन खाता होने के कारण डायरेक्ट अकाउंट में पैसा गया, कहीं से कोई कटौती नहीं हुई, कहीं किसी को कोई रिश्वत नहीं देना पड़ा, तो ये हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लाठी क्लस्टर और हवाई अड्डा, ये दो मुद्दा आज भी देखिए। हवाई अड्डा में तो राज्य सरकार को भूमि देना है, राज्य सरकार भूमि देगी तभी उस पर आगे मामला चलेगा। ये मामला सारा बिहार सरकार पे ही निर्भर करती है, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार अगर भूमि उपलब्ध करा के देगी तो हवाई अड्डा निर्माण होगा। बिहार सरकार मूड में नहीं है भूमि देने के? जी सर, बिहार सरकार के अब तो हमने व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह भी किया था, पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी यह मामला ठंडे हो। बिहार सरकार क्या मूड में नहीं है क्या, ऐसा लग रहा है? इस पे हम क्या राय दें, हम लोग तो राय ही दे सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री विकास गुप्ता के साथ आधा दर्जन युवक ने की मारपीट, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। सोमवार की देर रात छोटी कल्याणी चौक पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री आदित्य कुमार उर्फ विकास गुप्ता पर लगभग आधा दर्जन युवकों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में वे आंशिक तौर पर घायल भी हो गए, जिसे लेकर उन्हें मंगलवार को मिठनपुरा थाना में आवेदन देकर अजीत कुमार, आमिर अजमल, मनोज कुमार, विकी अली सहित लगभग आधा दर्जन युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए कल हम लोग करीब पटना से करीब हम लोग कल सुबह में हम लोग संजय जायसवाल जी से जो प्रदेश के अध्यक्ष उनसे मैं मिलने के लिए गया था और मिलकर कुछ विधानसभा के बारे में मैं बातचीत करने के लिए गया था। उसका फिर मैं पटना चला गया, पटना से लौटने क्रम में ठीक 8:20 से 8:30 के क्रम में मैंने अपने बादल मार्केट समीप मैं क्रॉस करा था। उसी वक्त हमारे मोहल्ले के एक सोनू रजक है और उसके सहयोगी है, साथी है, मनोज कुमार नाम है, जो कि वो भूजा के कारोबारी है और उसके बाद वो अपराधी छवि कहा, पूर्व उसका रिकॉर्ड भी रह चुका है और कई बार वे वो ट्रक लूट से लेकर बड़े बड़े घटना को वो अंजाम दे चुका है। और उसके बाद और भी कुछ लोग थे और साथ में, जो कि एक नाम अजमल था, एक नाम औरंगजेब था, एक नाम विक्की था और यही सब 6-7 लोग 12 लोग उसके साथ एक्स्ट्रा में थे। सब लोग शराब की बोतल से शराब और ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी के, और एक मौलवी साहब का दुकान है वहाँ पर, वो लोग उनके साथ भी गैदरिंग की है, उनका पैसा वैसा भी नहीं दिए। और उनके साथ साथ फिर क्या कि हमारे एकदम धीमी गति में मेरी 10 से 12 की स्पीड में मेरी आ रही थी, तो बस मैं अपने घर के आवाज़ से हल्का सा आगे बढ़ा था। मोर्टिन जो लिक्विड वाला होता है वो मैं खरीदने के लिए मजा रहा था, संजोग से मेरे गाड़ी पे उन लोगों ने शराब का बोतल और कोल्ड ड्रिंक का बोतल उन लोगों ने मेरे गाड़ी पर फेंक दिया। फेंका तो उसी क्रम में मैं जब थोड़ा सा मैं गाड़ी से मूव करके फिर मैं उससे बात करने के लिए मैं उतरा, मैं प्रयास किया कि मोहल्ले वाली बात है, थोड़ा सा समझा दिया जाए, बुझा दिया जाए कि आपसे क्या हो गई है या फिर कोई नशे उसे में होंगे तो गलत काम कर दिए। इसी क्रम में मैं जब उनसे बात करने के लिए गया था, उसी क्रम में उन्होंने मुझे धक्का उक्का दे दिए, गाड़ी क्लोज करने लगे, मुझे गाड़ी क्लोज करके करने लगे कि माधव चौधरी भागो, तुम यहाँ से ये करो वो करो, बहुत तरह का गंदी गंदी भदिया भदिया गाली दी, माँ बहन के तक गाली दी, उन्होंने धक्का दे दिया, धक्का दे के, और फिर उसके साथ 8-10 लोग थे एक्स्ट्रा। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तिलक मैदान रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाए। धरना को संबंधित रखते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट में देश के किसान, मजदूरों, बेरोजगारों को गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, इसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हो गई है। सरकार द्वारा इन सबों को 10,000 रुपए देने की मांग इन्होंने की है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में सांकेतिक धरना पर 1 घंटे का बैठे हुए 11 बजे से। हम लोग के 6 सूत्री मांग है, जो मांग पत्र हम कल प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलकर देंगे। और जो 6 सूत्री मांग है उसमें मांग में जो भी श्रमिक आ रहे हैं और जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिजन को
मुआवजा देने की मांग है। गोपालगंज तिहरा हत्याकांड के आरोपी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाकपा के सदस्यों ने एक दिवसीय धरना दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी के सदस्यों ने गोपालगंज तिहरा हत्याकांड के दोषी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। सीपीआई के सदस्यों का आरोप है कि सरकार इस कांड में दोषियों को बचाने का काम कर रही है। सीपीआई के सदस्यों ने कहा कि गोपालगंज हत्याकांड में पुलिस स्थिर दिख रही है और कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही। पुलिस द्वारा इस कांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने की बात इन्होंने कही। पूरे राज्यव्यापी कार्यक्रम हमारा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। बिहार में जो जिस कदर अपराध बढ़ गया है और सरकार प्रायोजित अपराध, ये नहीं है कि अपराधी तो कुछ घटनाएं घटती है, लेकिन बिहार में सरकार प्रायोजित, उनके विधायक, उनके मंत्री के गुंडे खुलेआम अपराध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। इन्हीं घटनाओं के को लेकर बिहार सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अमरेंद्र पांडे जदयू विधायक हैं, जो सरकारी पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा तीन तीन हत्याएं की गई है, उनको अविलंब विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त करो और गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करो और पूरे बिहार में जो खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाओ, नहीं तो आगे हम तेज आंदोलन करेंगे। आवेदा हाई स्कूल के प्रांगण में मेयर सुरेश कुमार ने नए पंप हाउस का किया शिलान्यास। मंगलवार को वार्ड 46 स्थित आवेदा हाई स्कूल के प्रांगण में नए पंप हाउस का शिलान्यास मेयर सुरेश कुमार द्वारा किया गया। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि वार्ड 46 स्थित पंप हाउस बेहद पुराना हो चुका है और उससे पानी के साथ बालू आने की शिकायत बराबर मिल रही थी, जिसे लेकर नए पंप हाउस के निर्माण कार्य का मंगलवार को शिलान्यास किया गया और लगभग 3 माह में पंप का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त हीरा कुमारी, वार्ड पार्षद अर्चना पंडित, अब्दुल बाकी, बबलू पंडित सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। वार्ड की सबसे बुजुर्ग महिला द्वारा कार्य का प्रारंभ किया गया, वहीं मेयर द्वारा नारियल फोड़कर इसकी शुरुआत की गई। आज गर्मी के मौसम को देखते हुए जो हम लोग 3 साल से दृढ़ संकल्प है कि भाई जितने भी शहर की जनता है सबको पानी मुहैया कराए, इसी के मद्देनजर हम लोगों ने इसके पहले भी आज से 6 महीने पहले लॉकडाउन से पहले भी एक पंप हाउस का शिलान्यास किया था। उसी के दरमियान आज अर्चना मैडम जी के वार्ड में जो स्थायी समिति में पास है उसी के मद्देनजर हम लोगों ने शिलान्यास किया है पंप हाउस का। और ये संभवतः 2 महीना में, जो हमारे इंजीनियर लोग बोला 2 महीना में, 2 से 3 महीने में पानी देना शुरू कर देगा और इससे आपको 5-6 वार्ड प्रभावित होंगे और 5-6 वार्ड में बढ़िया पानी जाएगा। जो हम लोग जनता से वादा किए हैं उसको पूरा कर रहे हैं। बालू की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, अभी आपके द्वारा बताया गया है कि बालू की समस्या कहीं पर हुई है तो हमने पूछा है हमने कि उसी के चलते, उसी के मद्देनजर भी हो रहा है आपके साथ, इसी वार्ड में कहीं पर हो रहा है तो अभी तो आप बतावे किए हैं तो हम सब पता लगा रहे हैं और इन लोगों को मालूम है, इसलिए इस पंप हाउस से भी उसका समस्या दूर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।